देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और वो क्या है, 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 2 × 3 × 4 और इसी तरह से ये चलता हुआ चल रहा है और फाइनली जो है ये चला गया है n × n+1 × n+2। ये कहां तक चला गया है, n × n+1 × n+2 यहां तक चला गया है और इसके बाद है n × n+1 × n+2 × 3/4। अच्छा, और इसके बाद आपको प्रूफ करना है कि ये है n × n+1 × n+2 × n+3/4। ये चीज है अपॉन में 4। हाँ, ये चीज है, कैसे करेंगे तो देखिए बाकी जो स्टेप है वो तो वही रहना है। फॉर pn विद गिवन स्टेटमेंट और pn सच दैट, क्या है pn, 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 और इस तरह से ये चलता हुआ चल रहा है n × n+1 × n+2 और ये जो इक्वल जो है वो किसका है, n × n+1 × n+2 × n+3 है और अपॉन में कितना है, 4 है। ये चीज है, यहां तक कर पाओगे ये नहीं। अब n = 1 पर LHS का वैल्यू क्या होगा वो देखें, 1 × 1 + 1 होगा और × 1 + 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा × 3 यानी कि ये 6 हो जाएगा, यानी कि ये 6 हो जाएगा। RHS पर देख लें, RHS होगा कितना, 1 × 1 + 1 × 1 + 2 × 1 + 3 × और अपॉन में 4 भी है तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 4 और अपॉन में 4, 4 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, 6। यानी कि फाइनली हम लोग कह सकते हैं ना कि RHS जो है वो इक्वल टू हो गया LHS का, LHS जो है वो इक्वल हो गया RHS का और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि P1 जो दिया गया है वो क्या है, मेरा सही है। आप अगर PN अगर सही है तो फिर PK भी सही होगा, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेंगे। मैं स्टेप इसलिए बार बार जो है वो रब नहीं कर रहा हूँ कि बार बार एक ही चीज लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दूसरी बात है ये कि आपको यहाँ से ये भी पता चलेगा कि नहीं भाई सही में स्टेप जो है वो चेंज नहीं हो रही है, जो भी स्टेप पहले का था बिल्कुल वही स्टेप है, केवल कहाँ कहाँ केवल हमको चेंज करने की आवश्यकता है वो आपको जो है क्लियर जो है वहां पर दिख रहा होगा कि पीके भी ट्रू हो गया और वेयर के बिलोंग्स टू है। अब जो पीके होगा वो जहां जहां एन है वहां वहां आपको क्या करना है, के पुट कर देना है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 2 × 3 2 × 3 × 4 और इस तरह से चलता हुआ चल रहा है n × n+1 × n+2। और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, n × n+1 × n+2 × n+3 अपॉन में 4। ये चीज है। इसके बाद यहां से क्या करना है, नाव के बाद एक स्टेप जो है बढ़ा देना है, आप इसको जो है फर्स्ट भी मान सकते हो, इसको मैंने फर्स्ट कर ली और इसके बाद यूजिंग फर्स्ट के हिसाब से आप लोग एक स्टेप पहले इसको बढ़ाओगे, बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 और इस तरह से ये चलता हुआ चल रहा है। माफ कीजिएगा भाई, यहां पर जो k है तो सभी जगह k हो जाएगा ना, सभी जगह जो है वो के हो जाएगा। अब की बार जो है एक स्टेप बढ़ा देना, तो जहां तक है वहां तक तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे k+2 तक था, इसके बाद एक स्टेप जो है वो हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो एक स्टेप जैसे ही हम उसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर है k × k+1। अब जहां k है वहां पर केवल आपको k+1 डाल देना है, यहां पर k+1 डालेंगे k के जगह में तो ये तो रह जाएगा k+1, यहां पर k+1 डालेंगे तो ये बन जाएगा k+2। हाँ या ना, यहां पर k डालेंगे ये बन जाएगा k+3। ठीक है, यहां से यहां तक का वैल्यू जो है वो आपको पता है, यहां से लेकर के यहां तक का जो वैल्यू है वो आपको पता है क्या है, तो यूजिंग फर्स्ट करके आप लिख सकते हो ना इस वैल्यू को, ये वैल्यू इसके इक्वल टू है, तो क्या वैल्यू किसके इक्वल टू है वो आपको पता है,
वो क्या है, के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री अपॉन में फोर, ये चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने जो ऐड किया है उसको केवल ऐसे ही लिख देना है, के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री, बड़ा मुश्किल है, के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री, ठीक है ऐसे मैंने लिख दिया। अब की बार अगर देखें आप तो के प्लस वन, के प्लस टू और के प्लस थ्री, ये तीनों चीज जो है वो कॉमन आ रही है, आ रही है या नहीं आ रही, आ रही है कॉमन, तो उसको चलिए हम लोग कॉमन कर लेते हैं। कॉमन आ रहा है के प्लस वन, कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है के प्लस टू, कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, के प्लस थ्री भी कॉमन आ रहा है। यहां से अगर देखें तो के प्लस थ्री दोनों में है, ये चीज कॉमन आ रहा है। तो फाइनली जो बच गया वो क्या बच गया, तो यहां से बच गया k बाय फोर और यहां से केवल वन बचा। इसके बाद इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा k प्लस फोर अपॉन में फोर और इंटू इधर तो ही रह जाना है, k प्लस वन, k प्लस टू और k प्लस थ्री और इंटू k प्लस फोर भी रह जाएगा एलसीएम के बाद, ये हो गया k प्लस फोर अपॉन में हो जाएगा पूरे में ये फोर। अब जो है जहां जहां के था वहां वहां आप के प्लस वन डाल के देखें, फर्स्ट इक्वेशन में यहां के प्लस वन हुआ, यहां के प्लस टू हुआ, यहां के प्लस थ्री हो गया, यहां भी के प्लस फोर वो भी हो गया, नीचे फोर था नीचे फोर हो गया। तो यहां तक करने के बाद जो है आप इसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हो क्लियरली, पीके प्लस वन इज ट्रू व्हेन इवन पीके इज ट्रू, देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन पीएन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इट, और हेंस करके, और फिर जो ये क्वेश्चन है यहां से कॉपी करके यहां पे इसको आप पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फाइनली इसको भी आप नोट कीजिए।